कुर्बानी क्या चीज होती है? नहीं पता। कुर्बानी कहते हैं किसी मकसद को हासिल करने के लिए या किसी की रजा को हासिल करने के लिए ऐसा काम करें जो दिल न चाहे। ऐसा काम करें जो दिल, लेकिन किसी की रजा हासिल करने के लिए, किसी के मकसद को हासिल करने के लिए ऐसा काम करना, इसको क्या कहते हैं? कुर्बानी। कहते हैं बाप ने औलाद के लिए क्या दी? कुर्बानी। भाई माल को जमा करने को दिल चाहता था, ये औलाद पर लुटा रहा है, ये इसने क्या किया है? कुर्बानी। इसको आराम करने को दिल चाह रहा था, बेटे के पेट में दर्द है, उसको अस्पताल लेकर जा रहा है, ये क्या कर रहा है? कुर्बानी। तो क्या कहते हैं कि वो फला ने अपनी औलाद के लिए क्या दिया? बहुत कुर्बानियां दी, और फलां लीडर ने कौम के लिए बड़ी बड़ी क्या दी? कुर्बानियां दी। ऐसे ही अल्लाह को राजी करने के लिए जब हम वो काम करें जो हमारा दिल न चाहे, इसको क्या कहते हैं? कुर्बानी। मसलन सुबह हमारा सोने को दिल चाहता है और हम उठकर नमाज के लिए जा रहे, तो हमने नींद की क्या दी? कुर्बानी। दिल नहीं जा रहा था, उठकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। इससे हमें अल्लाह की रजा हासिल, कुर्बानी से किसी की रजा हासिल होती है या मकसद हासिल होता है। तो बगैर कुर्बानी के न रजा हासिल होती है न मकसद हासिल होता है। जन्नत जाना मकसद है तो क्या करनी पड़ेगी? कुर्बानी। अल्लाह को राजी करना मकसद है तो क्या करनी पड़ेगी? कुर्बानी। लेकिन ये याद रखो, कब कौन कितनी कैसे कुर्बानी करे ये सीखना पड़ेगा अहले इलम से, ये सीखना पड़ेगा अहले इलम से। वगरना कुर्बानी जोगी भी बहुत ज्यादा करते हैं, गैर मुस्लिम भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उस कुर्बानी से न रजा मिलती है न जन्नत मिलती है। कुर्बानी सीख कर करनी पड़ेगी।